Now, Honorable Sri Manni Sanjay Singhji. Sanjay Singh, sir, Rajya Sabha Chamber. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे बोलने का मौका दिया. माननीय इस कोविड के दौरान जहां हर क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है, वहीं एयरलाइंस सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा. सुरक्षा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कदम आप इस बिल के माध्यम से उठाने जा रहे हैं, और ये भी सपना है सरकार का, माननीय, कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में सफर करें. ये अच्छी सोच है सर. भारत का आम आदमी हवाई जहाज से सफर करके एक जगह से दूसरी जगह जाए, ये एक सुनहरा सपना है. और इस सुनहरे सपने को सच करने में अपने अपने स्तर पे सफलता कई जगहों पे मिल भी रही है. पिछले दिनों जब इसी दिल्ली में बहुत सारे मजदूर अपने घर जाना चाहते थे, हम लोगों ने बस का किराया देखा, हवाई जहाज का किराया देखा, दोनों किरायों में ज्यादा अंतर नहीं था, और 180 मजदूरों को 16 लाख रुपए एकत्रित करके उनको अपने साथ लेकर हवाई जहाज से बिहार गया. माननीय अपने जो सांसद कोटे का जो साल भर का 34 टिकट मिलता है, उस कोटे से भी 34 लोगों को माननीय बिहार लेकर गया. ये अच्छी बात है, ये बहुत सुखद अनुभव देता है. और मैं माननीय मंत्री जी के आज के इस बिल के पेश होने पर एक घटना का भी उल्लेख करूंगा. माननीय, एक बीमार व्यक्ति छत्तीसगढ़ में एयर एम्बुलेंस के जरिए गुड़गांव के लिए बुक कराता है, 5,30,000 रुपए उसका जमा करा लिया गया, एयर एम्बुलेंस पहुंची नहीं, बस खत्म कर रहा हूं सर, एयर एम्बुलेंस पहुंची नहीं और पैसा कंपनी ने कहा कि हम आपको वापस नहीं करेंगे. मैं इस सदन में मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मैंने उनको सूचना दी और दूसरे दिन वो सारा का सारा पैसा उस बीमार मरीज के परिवार को वापस मिल गया. लेकिन ये आपकी संवेदना थी. अगर हर मामले ऐसे आपकी जानकारी में नहीं आएंगे तो शायद मदद नहीं हो पाएगी. बस एक एक घटना का उल्लेख करके सर, जेवर एयरपोर्ट और अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का जिक्र अभी आया. ये दोनों एयरपोर्ट में माननीय जो जमीनें किसानों की अधिग्रहित की जा रही हैं, उसका मुआवजा उनको नहीं दिया जा रहा है. मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, अयोध्या के बहुत सारे किसान मिलने आए थे, उनके मुआवजे की उचित व्यवस्था कराइए. मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कई बार आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर चुका हूं मंत्री जी, जेट एयरवेज के जो एम्प्लॉइज आज रिक्शा चलाने से लेके ऑटो चलाने से लेके सब्जी की दुकान लगाने तक पे मजबूर हैं, उनकी भी पीड़ा, उनके भी कष्ट को ध्यान दीजिए. उसमें से कई कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं. धन्यवाद. मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जेट एयरवेज के एम्प्लॉइज के ऊपर जो एक अपार इस समय मुसीबत आ पड़ी है, उनके ऊपर भी धन्यवाद ध्यान जाए. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद.